हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मारुति के ऊपर। और ये पर्टिकुलर स्टॉक या पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात करें तो हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री बहुत वीक थी। और अगर हम बात करें इनके रिजल्ट्स के बारे में, जो हर महीने रिजल्ट्स आते थे, सेल्स आती थी, सेल्स भी हम देखते थे डाउन थी। अब ये मारुति है, ये मारुति बहुत गिर चुका है। कम से कम अपने पीक से, अगर हम बात करें प्रीवियस स्विंग हाई से, जो कि 7700 का लेवल था, वहाँ से ये 6600 के लेवल तक आ चुका है। यानी कि ऑलमोस्ट 15% तक ये गिर चुका है। क्या और गिरने की इसकी डाउनसाइड है? अगर और गिरता है तो क्या लेवल्स हैं? और अगर अब यहाँ से बढ़ना या ये टर्न अराउंड करना शुरू करता है तो कितनी अपसाइड तक ये मारुति जा सकता है? सो पूरे लेवल्स टारगेट्स के साथ हम इस पर्टिकुलर की स्टडी करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हमने पर्टिकुलरली बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए टेक्निकल सेटअप्स लगा के रखे हुए हैं। 6-7 सेटअप है जिसके अंदर हम हर एक सेटअप के अंदर मारुति की स्टडी करेंगे चार्ट्स में, और सीखेंगे कि किस तरीके से क्या क्या मारुति के अंदर बन रहा है। ये पर्टिकुलरली वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी इसलिए भी रहेगी क्योंकि ये हर सेटअप के अंदर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, और उससे आपकी जो एजुकेशन है, जो स्टॉक मार्केट की लर्निंग है, वो भी हल्के हल्के इंक्रीज होती रहेगी। तो गाइस, हम बढ़ते हैं चार्ट्स की तरफ और चार्ट्स पर जाके स्टडी करते हैं पर्टिकुलरली। तो गाइस, आप लोगों के लिए ये मैं पहला सेटअप लेकर आया हूँ, और पहला सेटअप जो है वो सिर्फ फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर है। तो आप देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो अगस्त 2019 से ये पर्टिकुलर जो स्टॉक था वो स्टॉक था, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इस लेवल की बात कर रहा हूँ, ये पर्टिकुलरली जो स्टॉक था वो 5500 पे काम कर रहा था। हम ये बात कर रहे हैं अगस्त 2019 की, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। वहाँ से इसने पर्टिकुलरली एक रैली दिखाई, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और रैली में हमने जो टॉप बनते हुए देखा, वो टॉप बनते हुए देखा 7756 का लेवल। वहाँ से एक हमने गिरावट आते हुए देखी। जब गिरावट आई तो हमने देखा कि इसने एक पहला जो सपोर्ट लिया यहाँ पे, आप देख सकते हैं इस लेवल पे, वो था 382% रिट्रेसमेंट लेवल, जो अगर आप लोगों को फिबोनाची पता होगा तो आपको पता होगा कि ये जो तीन लेवल्स होते हैं, ये अगर हम बात करें 382 और 618 गोल्डन रेशियो का लेवल जो होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। और इसके बीच में अगर मार्केट में अगर हमें कोई स्टॉक मिलता है तो हमारे लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है इस पर्टिकुलरली स्टॉक को बाय करने के लिए। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने पहला सपोर्ट लिया, दूसरी बार भी इसने जब बाउंस करा तो आप देख सकते हैं कि इस लेवल पे, ये देख सकते हैं रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट रेशियोज होते हैं, और यहाँ से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बहुत अच्छे से पता चल जाता है। अब यहाँ से ही ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद हमने देखा यहाँ पर दोबारा इसने सपोर्ट लिया, फिर नीचे आया, और नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने रेजिस्टेंस फेस करा, और लास्ट आज डे ट्रेडिंग सेशन के अंदर अब आप देख सकते हैं इसने 0.50% रिट्रेसमेंट लेवल को टेस्ट करा, और वहां से इसने शैडो की तरफ अपमूव करी और हमने ऊपर की तरफ क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। और इसने पर्टिकुलरली एक, हम बात कर सकते हैं कि बुलिश हैमर बनाया है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये बुलिश हैमर है। और गाइज, ये अगर रेड हो चाहे ग्रीन में हो, कोई हमें पता नहीं, हमें कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर अगले दिन, मतलब हम बात कर रहे हैं कल के दिन, अगर ये इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, सो हमारे लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी इसको बाय करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कैंडल की जो क्लोजिंग हुई है वो अराउंड हुई है 6, अगर हम बात करें इस कैंडल की क्लोजिंग की बात करें तो इसकी अराउंड हुई है 6010 के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई है। सो हम एक्सपेक्ट लगा के चल सकते हैं कि यहाँ से 70 के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई है। सो हम एक्सपेक्ट लगा के चल सकते हैं कि अगर ये यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करता है तो हम एक अच्छे लेवल्स एक्सपेक्ट करके देख सकते हैं इसके अंदर। अब वो कैसे होगा वो मैं अब आपको बताता हूँ। मैं इसके लिए जूम कर देता हूँ। अब आप देखिएगा, इसने जो अपना आज का हाई बनाया था, वो आज का हाई बनाया था 6850 का, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको शो करेगा ब्लैक में, आप देख सकते हैं 6850 का इसने हाई बनाया था। अब प्रॉबेबली हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि अगर ये यहाँ से इसके ऊपर बंद हो जाता है, अब जो अगली कैंडल आती है वो अगर इस लेवल के ऊपर जाके बंद हो जाती है, सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से जो इसकी रैली है वो बहुत अच्छी रैली आ सकती है और अपने प्रीवियस स्विंग हाई तक जा सकता है, जो कि 7550 का लेवल है। और जो हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन होगा, वो स्टॉप लॉस मेंटेन होगा इस पर्टिकुलरली हैमर के नीचे क्लोजिंग बेसिस के अंदर। सो अब हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, तो वो ट्रेड का सेटअप मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। हाँ, इस पहले सेटअप की अगर हम बात करें तो आपकी एंट्री कहाँ पर होगी, मैं आप लोगों के लिए एक बार दोबारा एंट्री लिख देता हूँ। अब आप देखिएगा कि हमें एंट्री कहाँ पर करनी है, जो हमारी एंट्री होगी वो किधर होगी, एंट्री होगी हमारी 6850 के ऊपर,
हमारी एंट्री स्टार्ट होगी, इसके ऊपर अगर क्लोज होता है तो हमारी एंट्री स्टार्ट होगी। स्टॉप लॉस हमारा क्या है, स्टॉप लॉस हमारा होगा गाइस 6600 का, हमारा अराउंड 150 का स्टॉप लॉस होगा। अगर हम टारगेट की बात करते हैं सो गाइस हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सबसे पहला कर सकते हैं 7200 का, नेक्स्ट टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 7550 का। सो अगर हम स्टॉप लॉस की बात करते हैं गाइस, अगर हम स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस कितना डिफरेंस पे है, 150 रुपये का स्टॉप लॉस है। और अगर हम टारगेट की बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हम आप टारगेट की हम आपसे बात कर रहे हैं, वो टारगेट अराउंड है यहाँ से 350 पॉइंट्स मिनिमम, अलग से अगर हम बात करें तो वहाँ से 650 पॉइंट, तो यानी कि 350 से 600 पॉइंट का टारगेट आपको मिल रहा है। और उसको स्टॉप लॉस की बात करें तो 150 का स्टॉप लॉस है। सो बहुत अच्छा रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो है, आप मारुति पे एक ट्रेड लेकर चल सकते हैं और मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि यहां से आपको एक बार बाय अपॉर्चुनिटी देगा तो आपको फायदा जरूर मिल सकता है। सो अब हम बढ़ते हैं अगले ट्रेडिंग सेटअप के अंदर। तो फिबोनाची पे हमने आपको बता दिया है, और मैं एक बात और आपको इस पर बता देता हूँ कि आपको एक कन्फ्यूजन ना रहे, बाय चांस अगर ये इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है जो कि 50% रिट्रेसमेंट लेवल है, यानी कि इस पूरी उछाल का 50% की गिरावट ये दिखा चुका है और वहां से ये बाउंस कर रहा है, इसका ये मतलब होता है। ये जो 0.50 आप देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि यहां से जो रैली स्टार्ट हुई ऊपर तक, तो उस पूरी अपसाइड का इसने 50% की गिरावट दिखा दी है। अब यहां से ये बाउंस शायद कर सकता है या दोबारा नीचे आ सकता है, तो ये नो ट्रेडिंग जोन होता है। अब हमें कब करना है, हमें बाय करना है इस लेवल के ऊपर 6850 6880 के ऊपर, ये 30 रुपये का रेंज है। इस रेंज के ऊपर जैसे ही निकले हमें अपनी बाय पोजीशन को बना लेना है। और अगर ये बाय चांस अगर हम बात करते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ऊपर ही जाए, कभी हमारे टेक्निकल इंडिकेटर या सेटअप्स फेल भी हो सकते हैं, तो अगर ये 660 के नीचे बंद होता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा गाइस, मैं आपको अभी से बता देता हूँ, वो होगा 6350 का। तो मतलब यहां से भी हमें कम से कम 300 पॉइंट की रैली मिल सकती है इस ट्रेडिंग सेटअप पे, ये हमें बता रहा है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेटअप के अंदर। इस पहले ट्रेडिंग सेटअप के अंदर हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में बात करी, इस ट्रेडिंग सेटअप के अंदर हम बात करेंगे एक पैटर्न के बारे में जो कि है AB इक्वल्स टू CD पैटर्न, जिसे हम कहते हैं दो नाम से कहते हैं। पहला नाम तो होता है गाइस ABCD पैटर्न, और दूसरा नाम होता है AB इक्वल्स टू CD पैटर्न। ये दो पैटर्न होते हैं, और जो ये पैटर्न हमने पहले से ही बना रखा है। अब गाइज ये आप लोगों को थोड़ा बहुत कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके कुछ रूल्स बता देता हूँ, और जब आपको मैं रूल्स बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। ये गाइज कुछ पैटर्न इस तरीके से बनता है, ये एक डाउन साइड आई, डाउन साइड आने के बाद हमने देखा एक रिट्रेसमेंट आया और एक दोबारा डाउन साइड आ गई। सो ये हमें ये बताता है इसका पहला रूल क्या है। पहला रूल ये है कि अगर मैं इसे कुछ नाम दे देता हूँ, जैसे इसको मैंने ए दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको हमने सी दे दिया, और हमने इसको डी दे दिया, तो पहला रूल ये कहता है कि AB इक्वल्स टू CD होना चाहिए, यानी कि इसकी जो लेंथ है, यानी कि इसका जो डिफरेंस अगर हम मान के चलते हैं 100 रुपये का है, और इसका डिफरेंस भी अगर 100 रुपये का है, सो हम ये मान के चल रहे हैं कि जब एक गिरावट आई उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आके दोबारा गिरावट आई, तो AB ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होती है, तो यहाँ से हम एक रिवर्सल एक्सपेक्ट करते हैं और वहाँ से एक और अपमूव आ जाती है। तो ये एक पहला पैटर्न हमें सजेस्ट करता है, तो ये बुलिश पैटर्न होता है। अगर हम दूसरे ही बात करें तो हमें दूसरा क्या बता रहा है, दूसरे के लिए मैं दोबारा ऐसा बना देता हूँ, तो हमें दूसरा ये बता रहा है कि जो ये रिट्रेसमेंट आएगी, ये जो गिरावट के बाद जो छोटी सी उछाल आएगी, वो फिबोनाची के अकॉर्डिंग कौन से लेवल में होनी चाहिए, यानी कि 618 में होनी चाहिए पॉइंट, या फिर 0.786 पे होनी चाहिए। ये हम जो एक छोटी सी उछाल देखते हैं, ये उछाल टॉप, ये अगर आपको इस पे देखना चाहे, ये AB आया, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये AB है, यहाँ पर ये AB है। जब एक छोटी सी हमने देखा उछाल आई, तो ये जो लेवल होना चाहिए, ये लेवल या फिर होना चाहिए 0.618 या फिर 0.786 के आसपास होना चाहिए, तो हम मानेंगे कि ये पैटर्न है, अपना जो रूल है वो रूल को फॉलो कर रहा है। और लास्ट रूल क्या है, लास्ट रूल ये है कि जो ये डी होता है और ये जो बी होता है, तो जो ये डी होता है, ये जो डिफरेंस होता है, ये जो आप डिफरेंस देख रहे हैं, ये डिफरेंस होना चाहिए 1.27 का अकॉर्डिंग टू फिबोनाची रिट्रेसमेंट। 1.27 हो, उसके थोड़ा आसपास हो तो भी हम मान के चल सकते हैं, पर 1.7
सिक्स वन से नीचे ऊपर होना चाहिए, नीचे होना चाहिए और 1.27 के बीच में होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं अगर हम इसके डिफरेंस की बात करें जो कि यहाँ पर डी था, तो आप बी और डी का अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा 1.339 का। तो अगर हम बात करें तो ये 1.27 के और हम बात करें तो 1.61 के बीच में है। सो इसे हम एक रूल के अंदर मान सकते हैं। तो ये तीन रूल थे। पहला रूल था कि ए बी की लेंथ और सी डी की लेंथ इक्वल होनी चाहिए। दूसरा रूल था कि ये जो एक ऊपर की तरफ मूवमेंट आती है वो या फिर 786 या 618 होनी चाहिए, या आप देख सकते हैं जो मूवमेंट आई है वो आई है 789 की। तो बिल्कुल सेम ही है, 2-3% का डिफरेंस है, 0.0.0% का डिफरेंस है, तो हम मान के चल सकते हैं सेकंड क्राइटेरिया भी फॉलो हुआ है। अगर हम बात करते हैं पहले क्राइटेरिया की जो कि है ए बी इक्वल्स टू सी डी पैटर्न। अब जो ये लेंथ है, ये जो हम लेंथ देख रहे हैं और जो हम ये वाली लेंथ देख रहे हैं, क्या ये वाली लेंथ सेम है कि नहीं है? तो गाइस ये पूरे उसमें कन्फ्यूजन फैल रही होगी तो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल है कि नहीं है? गाइस अगर तीन में से दो या एक क्राइटेरिया भी फॉलो कर रहा है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से एक मूवमेंट आ सकती है। बट अभी तक दो क्राइटेरिया फॉलो कर चुके हैं। अगर हम तीसरे की बात करें तो इसका जो टॉप है, अगर हम इसके टॉप और अगर बॉटम का डिफरेंस देखें तो वो आ रहा है अराउंड 905 का डिफरेंस। अगर हम इस वाले टॉप और इस वाले बॉटम का डिफरेंस देखें तो वो आ रहा है 930 का डिफरेंस। अब गाइस शेयर अगर 7500 में काम कर रहा है तो डिफरेंस में 30 और 20 रुपए का अगर डिफरेंस आता है तो कोई मायने नहीं रखता। तो हम ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि ये जो डिफरेंस है ए बी और सी डी है, ये दोनों इक्वल है। हमारे पहला क्राइटेरिया सक्सेसफुल हुआ, ए बी इक्वल्स टू सी डी, सेकेंड क्राइटेरिया भी सक्सेसफुल हुआ और तीसरा भी हुआ। तो यानी कि ए बी सी डी जो पैटर्न है वो ये बना रहा है पूरा, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एग्जैक्ट इसी लेवल से, गाइस एग्जैक्ट इसी लेवल से जब इसने अपना ये रिट्रेसमेंट खत्म करा जो कि 0.50% पे था, हमने वहां से एक अपमूव देख लिया आज इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन के अंदर अंदर ही। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, जो ये पॉइंट है जो हमने आपको अभी प्रीवियस अपने इस पे यहाँ पर स्टॉप लॉस और टारगेट्स बताए थे, तो वो स्टॉप लॉस और टारगेट्स मेंटेन रहेंगे अभी तक। तो गाइस इसका जो टारगेट आता है, अगर हम इसके टारगेट की बात करें कि यहाँ से अब ये रैली जो देगा इसका टारगेट क्या है, तो इसके टारगेट की हम नेक्स्ट सेटअप पे बात करेंगे। पर्टिकुलरली दो टारगेट हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं और मैच करते हैं क्या वो हमने जो आपको पहले टारगेट लिखवाए हैं क्या उससे रिलेटेड है या उसके आसपास वो टारगेट हैं या नहीं है। तो ये है एक दूसरा सेटअप, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सेटअप है पर ये प्रीवियस वाली स्लाइड से ही मिलता हुआ सेटअप है, तो इसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि आपको मैं एक बार एक नाम लिख देता हूं, आपको पता चल जाएगा ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी। तो ये ए बी इक्वल्स टू सी डी वाला पैटर्न ही है, बट इनमें हमने इसमें फिबोनाची का यूज करा है फाइंड करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि जब यहां से गिरावट आई तो इसमें जब उछाल हमें देखने को मिली तो उछाल कहां तक गई है? उछाल गई है 786% रिट्रेसमेंट लेवल तक, आप देख सकते हैं। और हमने देखा बीच में उसे हर्डल्स भी थोड़े बहुत देखने मिले, जब यहाँ से ऊपर गया तो इसे एक बार 50% रिट्रेसमेंट लेवल पे हर्डल देखने को मिला, एक बार इसे 618% रिट्रेसमेंट लेवल पे हर्डल देखने को मिला। तो बीच बीच में इसे हर्डल मिलते हैं और थोड़ा नीचे जाके फिर ऊपर जाता है। अब ये जो गिरावट आई है, अब यहाँ से हम इसके क्या टारगेट्स फाइंड करने की कोशिश करें? हमें लगता है कि सबसे पहला टारगेट इसका होना चाहिए अराउंड 50% रिट्रेसमेंट का लेवल जो कि आ रहा है 7088 का। सेकेंड टारगेट, अब यहाँ से थोड़ा बहुत फिर गिर सकता है, फिर दोबारा अगर ऊपर जाता है तो सेकेंड टारगेट आता है 7200 का। और लास्ट टारगेट जो आता है, वो लास्ट टारगेट आता है हमारा ये वाला लेवल जो कि प्रीवियस सी का लेवल है। अगर हम प्रीवियस सी की बात करें तो प्रीवियस सी का लेवल था 7550 का। तो इसमें दो टारगेट निकल के आ रहे हैं, तीन टारगेट हम बांध के चले निकल के आ रहे हैं। पहला टारगेट आ रहा है 7100 का, दूसरा टारगेट निकल के आ रहा है 7200 का, एंड थर्ड टारगेट अगर हम फाइंड करने की कोशिश करें तो वो निकल के आ रहा है 7550 का। हम एक चौथा टारगेट भी निकाल लेते हैं जो कि 786% रिट्रेसमेंट लेवल का होगा जो कि होगा 7355 का। अब मैं इतने सारे टारगेट्स क्यों फाइंड कर रहा हूँ? हमने गाइस आपको अभी पीछे वाली स्लाइड पे सेटअप पे एक रेंज बताई थी, वो रेंज क्या थी टारगेट की? 7100 से लेके 7500 तक। अब गाइस एक साथ तो सीधी हमें रैली देखने को नहीं मिलेगी, हमें देखने का ऊपर जाएगा नीचे आएगा थोड़ा सा फिर ऊपर जाएगा थोड़ा सा नीचे आएगा। तो यहाँ पर जो ये रेजिस्टेंस फेस करेगा वो बीच के लेवल्स हैं जैसे कि 7220
और 73550 जो बीच में हर्डल्स मिलेंगे, हम उसकी बात कर रहे हैं, तो आप हल्के हल्के प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। तो ये एक सिस्टम और सेटअप आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा था। तो अगर हमने जो प्रीवियस स्टडी करी थी टारगेट और स्टॉप लॉस की, बिल्कुल सेम मैच कर रहे हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेटअप की तरफ, जो कि नेक्स्ट सेटअप है, आप ये देख सकते हैं। तो गाइस हम अभी डेली चार्ट पे काम कर रहे थे और अब हम काम कर रहे हैं वीकली चार्ट पे। तो वीकली चार्ट पे अगर मैंने काम करा तो मुझे पता चला कि हमने देखा कि एक ये ऊपर का एक चैनल है जो कि एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये एक रेजिस्टेंस चैनल है और ये एक सपोर्ट का चैनल है, ठीक है गाइस। तो हम देखते थे कि जब यहाँ पर एक बहुत तेजी से हमने एक गिरावट आते हुए देखी, तो इसने सबसे पहला सपोर्ट लिया इस लेवल पे। फिर जब इसने अपमूव दिखाई तो इसने अपना रेजिस्टेंस फेस करा एग्जैक्ट इसी लेवल पे। फिर हमने देखा यहाँ पर सेकेंड टाइम सपोर्ट, सेकेंड टाइम रेजिस्टेंस, मल्टीपल टाइम्स इसने यहाँ पर सपोर्ट्स लिए और मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस करते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि सिनेरियो बिल्कुल सेम रिपीट हो रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने इसके अंदर गया, इस रेंज के अंदर, सपोर्ट के अंदर गया और रिपोर्ट के ऊपर ही जाके इसने अपनी क्लोजिंग दे दी। अब हम मान के चल सकते हैं कि एक इसका जो हम स्टॉप लॉस अगर फाइंड करने की कोशिश करें तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉप लॉस से पहले टारगेट की अगर हम फाइंड करने की कोशिश करें तो ये कुछ टाइम पे, यानी कि 3-5 महीने के अंदर अंदर ये दोबारा यहाँ तक की रैली दे सकता है अपर रेजिस्टेंस तक। तो अगर हम अपर रेजिस्टेंस को फाइंड करें तो अपर रेजिस्टेंस का टारगेट निकल के आ रहा है 7550 से लेके 7600 का। तो ये टारगेट निकल के आ रहा है अपर रेजिस्टेंस का, और प्रीवियस सेटअप्स पे भी एग्जैक्ट यही टारगेट निकल के आ रहे थे। अगर हम बात करें अपने सपोर्ट की तो सपोर्ट कहाँ पर निकल के आ रहा है, अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट निकल के आ रहा है 6450 पे, 6450 पे एक सपोर्ट निकल के आ रहा है। तो अब हमें किस तरीके से इसमें काम करना चाहिए, अगर हम प्रीवियस अपने चार्ट पे चलते हैं तो प्रीवियस चार्ट पे मैंने आपको सपोर्ट बताया था, सपोर्ट अराउंड आ रहा था इस लेवल पे 6340 हम बात करके चल रहे हैं, या 6550 का। बट इस पे हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है, सपोर्ट की बात नहीं कर रहा गाइस, सपोर्ट इन द सेंस कह रहा है कि ये रेंज एक पूरा सपोर्ट है। तो अब रेंज का डिफरेंस फाइंड करें तो 7650 से लेके 6470 तक, यानी कि 300 रुपये का ये एक रेंज है जो कि एक सपोर्ट का काम कर रहा है। इस रेंज पे अगर आपको मिलता है तो आप एक बार दोबारा बाय बना सकते हैं, और जैसे इस रेंज के ऊपर निकलता है तो आप एक फ्रेश बाय भी दोबारा बना के चल सकते हैं। तो ये सेटअप हमें ये एक्सप्लेन कर रहा था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटअप के अंदर, जो कि एक वीकली चार्ट है। अब आप देख सकते हैं कि ये एक नेक्स्ट सेटअप है और यहाँ पर हमें जो देखने को मिल रहा है एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल रहा है। हाँ गाइस, ये एक बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। अब आप देख सकते हैं कि यहां से अगर हमने देखा कि एक गिरावट आई, इसने एक लेफ्ट शोल्डर बनाया, लेफ्ट शोल्डर बनाने के बाद इसने अपना एक हेड बनाया, और हेड बनाने के बाद अब ये अपना राइट शोल्डर बनाना है, और एग्जैक्ट राइट शोल्डर यहाँ पर ही बना रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर ये यहाँ से बाउंस करता है तो ये अपने इस लेवल तक जा सकता है, जो कि ये लेवल निकल के आ रहा है 7600 का लेवल। अगर ये अपना सिर्फ हम हेड एंड शोल्डर के पैटर्न को कंप्लीट करने की बात कर रहे हैं, ये जो ये लेवल है, बट अगर ये इसके ऊपर ब्रेकआउट दे देता है तो गाइज यहाँ से जो इसके टारगेट्स हैं कम से कम 1000 से 1500 रुपये ऊपर की मूवमेंट ये दे सकता है, अगर ये इसके ऊपर निकल जाता है तो। तो एक बुलिश हेड एंड शोल्डर बनने की इसकी तैयारी हो रही है, लेफ्ट शोल्डर और हेड बन चुका है, राइट शोल्डर बनने की तैयारी हो रही है, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से एक और अपमूव ये दिखा सकता है। तो जनरली सारे ट्रेडिंग सेटअप्स हमें यही बता रहे हैं कि एक अपमूव की तरफ हम तैयारी कर सकते हैं, और जो गिरावट थी वो एक तरीके से खत्म होते हुए हमें देखने को मिल रही है। अब हम बढ़ते हैं एग्जैक्ट लास्ट ट्रेडिंग सेटअप के अंदर, मारुति के अंदर। लास्ट ट्रेडिंग सेटअप हमें क्या बता रहा है, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपको ये ब्लू कलर की लाइन दिख रही होगी, ये ब्लू कलर की जो लाइन है गाइज ये 200 दिन का मूविंग एवरेज की लाइन है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मूविंग एवरेज के नीचे आज इसने अपनी गिरावट तो दिखाई पर क्लोजिंग इस लाइन के ऊपर ही इसने करी है, यानी कि 200 दिन का मूविंग एवरेज के ऊपर ऊपर ही इसने अपनी क्लोजिंग करी है। 200 दिन का मूविंग एवरेज की प्राइस की बात करें तो 6745 था, और इसकी जो क्लोजिंग हुई है, इसकी क्लोजिंग हुई है 6760 की, यानी कि 15 रुपये ऊपर जाके इसने अपनी क्लोजिंग दे दी है। अब हम बात करते हैं अगर वॉल्यूम्स की, तो अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें, और उससे पहले अगर हम RSI की बात करें तो RSI अभी ट्रेड कर रहा है अराउंड 36 के लेवल्स पे।
अब गाइज मारुति बहुत बढ़िया स्टॉक है, और अगर हम बात करें तो ये लार्ज कैप कंपनी है, और अगर आरएसआई अगर आपको कभी भी 30-35 के आसपास मिलती है तो एक ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है पर्टिकुलरली लॉन्ग टर्म और बेस्ट क्वालिटी स्टॉक्स को बाय करने के लिए। सो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि आप यहाँ से एक शायद रिवर्सल हमें देखने को मिल जाए इस पर्टिकुलरली सेटअप के अंदर। और मैं आप लोगों के लिए गाइज एक और चीज़ बनाने वाला हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी है, ये वॉल्यूम्स बार देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर वॉल्यूम बार देख रहे होंगे, तो यहाँ पर मैंने आप देख सकते हैं एक लाइन ड्रॉ करी है, और ये लाइन हमें बता रही है कि ये एक एवरेज वॉल्यूम है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक एवरेज वॉल्यूम का एक सिस्टम आपको मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड आप देखिए, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपको वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं इस तरीके से, ये इस पर्टिकुलर लाइन के नीचे है आप देख सकते हैं। जनरली जहाँ पर ज़्यादातर जो वॉल्यूम्स बन रहे हैं वो इस पर्टिकुलरली लाइन के हमें नीचे ही देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ कुछ हैं जो इस लाइन के ऊपर जाते हैं, और हम देखते हैं एक बहुत तेजी से मूवमेंट आती है। अब हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम्स कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे पूरे टाइम वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है और मार्केट नीचे गिर रही है, और जिस टाइम आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर जैसे ही इसने अपना एक हैमर बनाया, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने अपना बुलिश हैमर बनाया, तो हम देख रहे थे कि वॉल्यूम इस पर्टिकुलरली लाइन से ऊपर चली गई और वॉल्यूम्स प्रीवियस एक हफ्ते के वॉल्यूम से ज़्यादा इंक्रीज होते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आप मान के चल सकते हैं कि शायद इस पर्टिकुलरली हम देख रहे हैं कि बॉटम पे किसी ने यहाँ पर स्टॉक से एग्जिट करा और बाय पोजीशन बनाई और ऊपर जाके क्लोजिंग हो गई है। सो ये आप लोगों के लिए साथ मैंने 6 ट्रेडिंग सेटअप आप लोगों के साथ मैंने लेकर आया हूँ, और आप लोग अब खुद इस पर्टिकुलरली वीडियो को दोबारा एक बार देख के पॉज करके एक एक सेटअप पे अपना एनालिसिस दोबारा करिए, और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आते तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है। गाइस इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंड्स को बताइएगा जो भी शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं कि इस पे आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना शुरू कर सकते हैं। गाइस कमेंट सेक्शन में भी मुझे ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, और क्या क्या चेंजेस करने चाहिए थे, और कोई पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलरली स्टॉक के अंदर अगर कोई पैटर्न बन रहा है तो वो भी हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं, और आप कोई भी क्वेरीज पूछना चाहते हैं तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं, हम आपका हर रिप्लाई ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो कौन से स्टॉक के ऊपर होनी चाहिए आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, जो भी पर्टिकुलरली स्टॉक की में सबसे ज़्यादा लाइक होंगे हम वो वीडियो आप लोगों के लिए सबसे पहले लेकर आ जाएंगे। गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, मैं शिवांश भसीन साइनिंग ऑफ।